तो भाई ये देख सकते हो हर जगह पूरे डीजे वाले की गाड़ियाँ चुकी है। एक ये है, एक ये खड़ी है और वो पीछे खड़ी है, देख सकते हो वो एक है, एक ये है और एक ये है भैया। और यहाँ पर भैया लॉटरी नंबर निकल रहा है। So, और मेरे भारत के अंदर कैसे हो आप सब लोग। तो यार फाइनली हमारी डीजे की गाड़ी तैयार हो गई है और आज हम फुल कंपटीशन में इसको उतारने वाले हैं। तो यार हम लोग लेके आ गए भाई बाईपास, यहाँ करने वाले साउंड टेस्टिंग। So, मेरे भाइयों फाइनली हमारी गाड़ी होगी रेडी और ये खड़ा है पीछे हमारा ट्रक जिसमें भाई हमारा पूरा फुल सेटअप है। और ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को भाई, ये जनरेटर और ये भाई हमारे नवीन भैया जिनने अभी अभी नया पूरा सामान पूरा कंसोल तैयार किए। और यहाँ और ये भाई पूरे सेटअप की टेस्टिंग देखते भाई ये क्या खतरनाक सवारी मचाता है। तो भाई अभी हम लोग ना खड़े भाई ये हाईवे में जो सीनी टू छिंदवाड़ा वाला हाईवे ना ये मेरे पीछे वहाँ पर खड़े और ये हमारी पूरी गाड़ी खड़ी है अभी चल रही है भाई ये बेस्ट टेस्टिंग। अभी साउंड सुन सकते हो आप पूरा मतलब मेड बेस सब कुछ पूरा चेक कर रहे हैं। उसके बाद पूरा लाइटिंग की पूरी टेस्टिंग होगी। वैसे तो लाइटिंग की टेस्टिंग हमने कल कर ली जो आपने नेक्स्ट पार्ट में देखा, इससे पहले जो पार्ट आया था उसमें। और अभी भाई अंदर से पूरा कंट्रोल रेडी हो चुका है, बस बेस और पूरा मेड वेट सब चेक कर लें, उसके बाद आप लोगों को एक नंबर धाजो वाला साउंड सुनाते हैं। तो यार ये देखो बेस सुन सकते हो तो यार हमारी बेस ने इतनी तेज थी कि भाई मेरा माइक भी काम नहीं कर रहा था, पूरा बूम हो गया था, पूरा साउंड तब बवाल मचा रहा था हमारा बेस। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार हम लोग ना टेस्टिंग वेस्टिंग करके जो मठ मंदिर है सीनी का वहां पर आ गए और मेरे पीछे ना पूरे लाइन से डीजे का सेटअप फंसा है, मतलब खड़ा है। ये देखो भाई ये भी सही सीनी का है और ये भी एक शक्ति डीजे खड़ा है, यहाँ का बहुत फेमस है। और ये भाई हमारा एनएस लाइटिंग जोन और कृष्णा 2.0। यार लुक आप देख रहे हो और अभी स्टार्ट होने वाला है, आप लोग बताना कि भाई कैसा है कैसा नहीं, लुक कैसा आ रहा है। और अगर डीजे का लुक बहुत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट जरूर करके बताना, बाकी मैं आप लोगों को सेटअप दिखाता हूँ लोगों के। सो एवरीवन, मेरे पीछे ना पूरे डीजे का सेटअप आ रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग ने भी हमारी गाड़ी ला के खड़ी कर दी है क्योंकि यहाँ पर ना डीजे का बहुत बड़ा कंपटीशन होता है और लाइटिंग में भी भाई बहुत ज्यादा पेज लड़ते हैं। तो यार इस बार ट्रेंड देखना कि भाई सबसे ज्यादा कौन चलता है। और मेरे पीछे कुछ इस प्रकार का ग्राउंड है जहाँ पर पूरे डीजे की लाइन लगने वाली है और यहाँ पर आके जो स्टेज दिख रहा है ना यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आके रैली खत्म होती है और यहाँ पर पता चलता है कि भाई कौन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में था। और ये जो मंदिर देख रहे हो ना जस्ट सामने, ये भाई यहाँ का सीनी का मठ मंदिर, वहाँ का थोड़ा बहुत वीडियो मैं इसलिए नहीं ले पाया कि भाई सुबह से ना मैं बहुत बिजी था इस काम के लिए। तो यार उसका अगर थोड़ा बहुत क्लिप होगा तो वो जरूर लूंगा, बाकी अगर वीडियो इतना अच्छा लग रहा होगा ना तो भाई लाइक तो कर दो और अभी अच्छे सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दो, जाना मत। तो मेरे भाइयों अभी ये जो शक्ति साउंड है ना वो अपना टेस्टिंग कर रहा है, देख सकते हो। और कॉपीराइट ना आए करके भाई मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, पर क्या पता कॉपीराइट आ ही जाएगा शायद। तो भाई सब सेटअप स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कर रहे भाई यहाँ सेटअप की पूरी पूजा, मतलब माला वाला ही हमारे मोशी जी है और ये पहले यहाँ पर पूजा वूजा कर रहे हैं सेटअप की, उसके बाद पूरा रेडी होगा। सो एवरीवन, पूजा पाठ करने के बाद ना हमने हमारा साउंड चालू किया और हमारी साथ पी है ना जो लाइटिंग भाई इतनी मस्त चल रही है कि क्या ही बताऊँ। बस अब कंपटीशन देना बाकी, तो भाई अब यहाँ से जो रैली स्टार्ट होने वाली ना उसमें फुल कंपटीशन आने वाला भाई, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को आगे। तो भाई ये सीनी का मठ मंदिर और यहाँ की जो पब्लिक का रिएक्शन था ना भाई हमारी डीजे और लाइटिंग को देख के, तो भाई वो बहुत खतरनाक था। मतलब इतने सारे लाइटिंग और डीजे चल रहे थे बट सबका ना ध्यान हमारी डीजे पर ही था यार।
तो भाइयों हमारे डीजे के आगे भी ना ढेर सारे डीजे थे और देख सकते हो आप उनकी लाइटिंग भी बहुत मस्त चल रही थी, साउंड भी उनका अच्छा खासा था, अच्छा चल रहा था। और जो सीनी की पब्लिक थी ना भाई, उनने तो धमाल मचा दी। मतलब पूरी इतनी सारी जगह घिरी हुई थी लोगों से कि भाई वहाँ से गाड़ी तक की नहीं निकल पा रही थी, पूरा जाम लग चुका था। और जो साउंड था ना भाई वो इतना तेज था कि मैं वीडियो ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए घर पे आगे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो यार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। भाई यहाँ ना हमारा सेटअप चल रहा था और हमारे बाजू से एक बहुत बड़ा सेटअप था जो गुजर रहा था, परंतु भाई हमारे सामने नहीं टिक पाया यार, उसकी लाइटिंग बस चली और पता नहीं शायद उनका जो साउंड था ना वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और भाई पूरा माहौल डप हो गया उनका। और जो जितने भी पब्लिक थी ना वो सब हमारे डीजे के सामने नाच रही थी, आप लोग देख सकते हो कि मतलब कितनी पब्लिक थी यार। सीनी का ये बिहेवियर ना भाई मेरे को दिल से बहुत पसंद आया है सच्ची। मतलब साउंड ना जो बाजू में जा रहा था वो पूरा डप हो चुका था यार। और ये था हमारा आज का ब्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो भाई प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर ही देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राम राम।